हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 10.6 करेंगे और इसके फर्स्ट टू क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। इसका कहने का मतलब है कि दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जहाँ पे ये इस पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट है, दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो एक इक्वल एंगल्स बना रही हैं इस इंटरसेक्शन के पॉइंट के ऊपर। इट मीन्स ये है वाला एंगल, तो हमें क्या बताना, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को गिवन के साथ। गिवन हमारे पास क्या है, लाइन ऑफ सेंटर्स टू इंटरसेक्ट, दो सर्कल्स गिवन है जिसके दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। टू सर्कल्स विथ टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ए एंड बी आर गिवन, दिए गए हैं। क्लियर? अब प्रूव क्या करना हमें, वी हैव टू प्रूव एंगल ओ ए ओ डैश, ये दोनों सेंटर्स हैं, इस फर्स्ट सर्कल का ओ, सेकंड सर्कल का ओ डैश। नाम कोई भी ले सकते हैं, चाहे तो एल एम, कुछ भी, ज़रूरी नहीं है ओ लेना है सेंटर का नेम। क्लियर? ओ ए ओ डैश इक्वल टू ओ डैश बी ओ। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं हम प्रूफ। अब इसमें देखिए, आपको फिगर में दो ट्रायंगल्स आपको शो हो रही हैं, ओ डैश ए ओ, ओ डैश बी ओ। क्लियर? अब इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो बाइसिपिसिटी इन दोनों सर्कल्स को इक्वल प्रूव कर देंगे। सिंपल, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ डैश ए ओ एंड ट्रायंगल ओ डैश बी ओ, ओ ए इक्वल टू ओ डैश ए रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर? सेंटर से जो भी लाइन होके जाएगी सर्कल के, वो रेडियस बन जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल। अगेन ओ बी इक्वल टू ओ डैश बी, क्या है ये भी, रेडियस ऑफ सर्कल। अब ओ डैश, ओ ओ डैश क्या है, कॉमन, ओ ओ डैश इक्वल टू ओ ओ डैश कॉमन, तो बाय सी पी सी, सॉरी बाय एस एस एस, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो रही हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो लिख देंगे दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ओ ओ ए ओ डैश, ओ डैश ए ओ लिखा है हमने, तो यही लिखेंगे ओ डैश ए ओ, ओ डैश ए ओ कॉन्ग्रुएंट टू ओ डैश बी ओ, ओ डैश बी ओ। रीज़न क्या है, बाय सी पी सी, बाय एस 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 रूल, साइड 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 रूल, तीनों साइड्स लिए हमने, तो बस देयर फॉर अगर ये हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल्स भी हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मीन्स इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए ओ ए ओ डैश, एंगल ओ ए ओ डैश इक्वल टू एंगल ओ डैश बी ओ, एंगल ओ डैश बी ओ बाय सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। एक सर्कल है, सर्कल में दो कॉर्ड्स गिवन है जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, ए बी एंड सी डी, एंड आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ इट्स सेंटर, सेंटर से अपोजिट साइड पे एक ऊपर है और एक नीचे है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो गिवन से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, हमें रेडियस बतानी है। सबसे पहले गिवन क्या, हमारे पास टू कॉर्ड्स गिवन है, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी गिवन है हमारे पास। ए बी कितनी है हमारी, 5 सेंटीमीटर, सी डी इज 11 सेंटीमीटर, और क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है, एंड ए बी पैरेलल टू सी डी, पैरेलल हैं दोनों और अपोजिट साइड पे हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इक्वल टू में 6 सेंटीमीटर, फाइंड आउट करनी है हमें रेडियस।
तो फाइंड आउट जो करना है वो हमारा प्रूव हो जाएगा। टू प्रूव क्या है, रेडियस, रेडियस हमें बतानी है। या फिर हम लिख सकते हैं, अगर इसका हम नेम दे देंगे, अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे वो नाम भी दे सकते हैं। अब कैसे देखेंगे, देखिए इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें रेडियस तो कहीं भी शो नहीं हो रही, कहीं नहीं पता लग रही हमें। ये हमारा क्या है, ये पूरी डिस्टेंस है जो ये हमारी 6 सेंटीमीटर। और एक बात और मैं बता दूँ, ये जितनी भी डिस्टेंस मैंने सेंटर से ली है, आप चाहें तो कहीं से भी ले लें, इसकी जो लेंथ है वो सेम ही आएगी। आपको पता है दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस ऑलवेज सेम होती है, ये भी हम थ्योरम पढ़ चुके हैं। तो अब क्या करना होगा, अब हमें इस ओ सेंटर से एक लाइन या तो ए से ड्रॉ कर दीजिए, ए के साथ ज्वाइन करिए या बी के साथ, इसी तरह से नीचे सी के साथ या डी के साथ। अगर यहाँ पे आप ए के साथ करते हैं तो यहाँ सी से ज्वाइन करना होगा, अगर आप बी से ज्वाइन करते हैं तो नीचे आपको डी से ज्वाइन करना है। इससे हमारे दो ट्राइंगल्स बन जाएंगी और फिर हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगा के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले ज्वाइन कर लेते हैं इनको। तो देखिए ज्वाइन कर दी हमने ओ ए और ओ सी, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी आप लिख लीजिए। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी, और यहाँ पे रेडियस जो हमने निकाली है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या फिर ओ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हमारी आर हो जाएगी, ये भी हमारी आर है। ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये हमें फाइंड आउट करनी है कितनी है हमारी, क्लियर। अब देखिए यहाँ ये हमारी ट्रायंगल बन रही है, ये वाली एक छोटी ट्रायंगल एक नीचे बन रही है, तो यहाँ पे एक नेम दे देते हैं, ये मान लीजिए एल मान लेते हैं हम इसको, और ये हम एम नाम दे देते हैं। तो अब ट्रायंगल क्या बनी, ओ एल ए एंड ओ एम सी, क्लियर। अब इन दो ट्रायंगल्स को हमें लेना है और पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारी ये आर आ जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है वो देखना है। ए बी हमारे पास गिवन है, सी डी गिवन है, लेकिन अगर हम ट्रायंगल ओ एल ए लेते हैं तो इसमें हमारे पास ए एल होनी चाहिए, जो कि गिवन नहीं है। हम क्या करेंगे, पूरी हमें गिवन है और ये हमने सेंटर से हमने इसकी डिस्टेंस ली है, तो ये इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए बी को हाफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो जो जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं। हमारे पास ए बी कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे ए बी इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर। और सी डी कितनी गिवन है, 11 सेंटीमीटर, ठीक है, 11 सेंटीमीटर हमारे पास सी डी है। अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों का हाफ चाहिए, ए एल चाहिए हमें और सी एम चाहिए, क्योंकि ये दोनों छोटे ट्रायंगल्स हम ले रहे हैं। अब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप एक बार फिर से बता रही हूँ, ये हमने सेंटर से डिस्टेंस ली है। सेंटर से लेने का बेनिफिट हमें क्या हुआ है कि ये ए बी और सी डी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, तो ए बी का हाफ कर सकते हैं हम, जो कि ए एल बन जाएगा। इट मीन्स 5 का हाफ करेंगे जो ए एल हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, इसी तरह से सी डी का हाफ करेंगे वो सी एम बन जाएगा, 11 का हाफ करेंगे तो सी एम की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। तो अब बस हमें यही करना है, हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब हाफ ऑफ ए बी हमें क्या लेनी है, ए एल, हाफ ऑफ ए बी हो जाएगी ए एल, तो हाफ ऑफ करना है इसका, कितना आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से हाफ ऑफ सी डी, यहाँ पे 2 लगाना है, साथ में हाफ कर रहे हैं हम, तो 11/2 सेंटीमीटर। हाफ ऑफ सी डी हमारी क्या बन जाएगी, सी एम, सी एम इक्वल टू में ये हो जाएगी 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने सी एम की वैल्यू भी निकाली और यहाँ से हमारे पास ए एल की वैल्यू भी आ गई। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस का फॉर्मूला, दोनों ट्रायंगल्स ले लेंगे। इन ट्रायंगल ओ एल ए, सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ओ एल ए, साथ साथ कर लेते हैं, और यहाँ दूसरी ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ओ एम सी, ओ एम सी। अब देखिए फॉर्मूला क्या होगा, क्या होता है फॉर्मूला, पाइथागोरस का एच स्केयर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर, ठीक है। अब एच स्केयर इसमें हमारे पास क्या है बताइए, एच है हमारा आर, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये है, यहाँ पे लिख देंगे ओ एल ए में, सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि इसमें परपेंडिकुलर हमारा ये जो हाइपोटेन्यूज है क्या है, ओ ए है। तो सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ओ ए का स्केयर इक्वल टू में ए एल का स्केयर, या फिर एल ए का स्केयर, कुछ भी लिख सकते हैं। ओ ए का स्केयर इक्वल टू में ए एल का स्केयर प्लस ओ एल का स्केयर, ए एल का स्केयर प्लस ओ एल का स्केयर, क्लियर। अब देखिए ओ ए स्केयर हमारे पास क्या है, ओ ए स्केयर है आर, आर हमने लेट किया है, तो यहाँ हो जाएगी
आर स्क्वेयर इक्वल टू में ए एल का स्क्वेयर क्या है, ए एल। यहाँ पे आप चाहें तो एक चीज और लिख सकते हैं, लेट रेडियस इक्वल टू में आर, या फिर हमने किसको लेट किया है, रेडियस, रेडियस सारे जितने भी होंगे चाहे हम यहाँ से ड्रॉ करें कहीं से भी, हमने लेट किया है आर, ठीक है। अब सारी रेडियस इक्वल आ जाएंगी। अब देखिए ए एल स्क्वेयर, ए एल ये है, इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है ए एल की 2.5, तो लिख देंगे 2.5 का होल स्क्वेयर प्लस ओ एल, ओ एल ये है ओ एल। अब देखिए यहाँ पे हमें नहीं पता, ये हमें गिवन नहीं है, पूरी गिवन है 6। अब हम इसको डिवाइड कैसे कर दें, इसको डिवाइड हम तब कर सकते थे अगर ये लाइन सेंटर से तो जा रही है, लेकिन अगर ये लाइन इसके सर्कल के साथ अटैच होती तो हम टू इक्वल पार्ट्स में इसको 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कर देते, बट इससे सेंटर से तो अटैच नहीं हो रही है सर्कल के साथ, सर्कल से अटैच नहीं है, तो इसको हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, एक को हम एक्स कर लेंगे, एक टोटल में से माइनस कर देंगे। अगर मैं इसको एक्स मानती हूँ, मान लीजिए मैंने इसको एक्स मान लिया, ओ एम को अगर मैं एक्स मान लेती हूँ, तो पूरी मेरे पास 6 गिवन है, तो इतनी मैं निकाल दूंगी पूरी में से, अगर मैं इतना पोर्शन निकाल दूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, तो पूरा पोर्शन है 6, इतना पोर्शन है x, तो 6 माइनस x होगी, तो इसको अभी हम लेट कर लेंगे, लेट ओ एम लिख लेते हैं इसे, लेट ओ एम इक्वल टू में x, तो दूसरी क्या हो जाएगी ओ एल, वो क्या हो जाएगी हमारे पास ओ एल इक्वल टू में 6 माइनस x, क्लियर। अब करते जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व, अब यहाँ ओ एल की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस x का होल स्क्वायर। अब 2.5 का होल स्केयर हम फाइंड आउट करेंगे, 25 को 25 से करेंगे 6.25 आ जाएगा, आर स्केयर रेजिस्टेंस चलता रहेगा साथ में, प्लस 6 माइनस एक्स स्केयर का मीनिंग क्या हुआ, ए माइनस बी का होल स्केयर, तो इट मींस 6 का स्केयर जो कि आ जाएगा 36 प्लस एक्स का स्केयर, माइनस 2ab होता है ए माइनस बी का होल स्केयर, तो 6 × 2 = 12 और माइनस का साइन −12x। ये आपको समझ आ गया ना कि मैंने कैसे फाइंड आउट किया, ये होता है ए माइनस बी का होल स्केयर, बस उस फॉर्मूले को हमें सोल्व करना है, क्लियर। अब देखिए ओ एम सी पे, अब ये वाला देख लेते हैं, इसको हम आगे सोल्व करेंगे, सबसे पहले इसको भी साथ चला लेते हैं, या फिर आप इसको पूरा सोल्व ही कर लेते ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आगे। तो अब हम ये वैल्यूज जो है ऐड, इसको दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, ये देखिए 36 एंड 6.25, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा आर स्क्वेयर इक्वल टू में 42.25 प्लस एक्स स्क्वेयर −12x प्लस एक्स स्क्वेयर −12x। अब आ जाते हैं दूसरी साइड पे ओ एम सी में, ओ एम सी इसमें देखिए ओ सी का स्क्वेयर, ओ सी का स्क्वेयर इक्वल टू में ओ एम का स्केयर प्लस सी एम का स्केयर, ओ एम का स्केयर प्लस सी एम का स्केयर, ये हो गया हमारा पाइथागोरस का फॉर्मूला। अब ओ सी स्केयर हमारे पास क्या, हमने लेट किया ओ सी स्केयर इज इक्वल टू में आर, तो आर का स्केयर इक्वल टू में ओ एम, कितना हमारे पास ओ एम, वो हमने लेट किया इसको एक्स, तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस में सी एम का स्केयर हमारे पास क्या है सी एम, अभी हमने फाइंड आउट किया, देखिए सी एम का ये रहा 5.5 था, 5.5 का होल स्केयर। अब आर स्केयर एज इट इज रहेगा, यहाँ आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस में अब 5.5 को 5.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 30.25, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं दोबारा से, हमारा आर स्केयर वहाँ पे आ गया एक्स स्केयर प्लस 30.25, एक्स स्केयर प्लस 30.25। अब इन दोनों को इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू दे देते हैं। अब देखिए ये दोनों हमारे आर स्क्वायर हैं, दोनों ही हमारे रेडियस हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब हमें कंपेयर करना है फ्रॉम वन एंड टू, दोनों आर स्क्वायर हैं, दोनों इक्वल हैं, तो इनकी जो इक्वल के बाद इक्वेशन है वो भी इक्वल हम रखेंगे, तो लिख लेते हैं हम 42.25 प्लस एक्स स्क्वायर −12x इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 30.25। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्रॉस हो गया, अब ये 30 हमारा इस साइड आ जाएगा लेफ्ट साइड में, 42.5 −30.25 और 12x जो है राइट में चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा प्लस 12x,
आप 42.5 में से इसको लेस करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 12, ये तो दोनों ज़ीरो हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा हमारा 12, 12 इक्वल टू में 12x, तो 12/12 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू आगे 1। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, हमें चाहिए x की वैल्यू, अभी हमने ये फाइंड आउट किया, अब हमें r फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। अब आपकी मर्जी है इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में, किसी में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू 1 इन छोटी वैल्यू में पुट करते हैं सेकंड में, इन इक्वेशन सेकंड। अब देखिए r स्क्वायर रेजिस्टेंस रहा इक्वल टू में x स्क्वायर है तो इसकी जगह 1 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 30.25, और r स्क्वायर इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर का 1 आ जाएगा, 30 में 1 ऐड करेंगे तो 31.25। अब इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट 30.1.25, क्लियर। तो आई होप आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना आता होगा, नहीं आता तो मैं आपको सिखा रही हूँ, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 31.25 अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। दो दो के पेयर्स हम लेते हैं, क्लियर। अब क्या करना है हमें, जैसे कि हमारे जो डिजिट्स हैं उसको उसी से मल्टीप्लाई करके हमें देखना है, जैसे 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 31 के नीचे कहाँ तक जाएगा। अगर मैं 5 को 5 से करती हूँ तो 25 आ रहा है, और 6 को 6 से करती हूँ तो मेरा 36 आ रहा है, तो लास्ट डिजिट कहाँ 25 है जो इसके नीचे चली जाएगी, तो मैं यहाँ लिख दूँगी पहले जा रहा है 5 पे, तो 5 × 5 = 25 आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 6। ऊपर से हम दोनों को पेयर उतारेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ऊपर से जो भी स्टेटमेंट आएगी पेयर में उतरेगी पॉइंट के बाद, ठीक है। तो अब 5 को अब हम क्या करना है, जो ऊपर हमारा क्वेश्चन आया इसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, क्लियर। अब कितने पे जाएगा, अब हम कोशिश करते हैं कि इसको हमें पीछे क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तभी आता है 5, तो हम करके देख लेते हैं। और एक बात और, जो भी आप जिससे भी आप यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई उसको उसी से मल्टीप्लाई करना, जैसे कि मान लीजिए मैं 5 से करना चाहती हूँ तो मैं 10 आगे 5 लिखूंगी और उसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये आ जाएगा मेरा 525। और इसी तरह से अगर मैं 6 से करना चाहती हूँ 6 से करके 36 और ये 6 आ जाएगा, क्लियर। तो अब मेरा यहाँ जा रहा है 5 पे, तो मैं लिखूंगी 5 से और यहाँ 5 लिख के 5 से मल्टीप्लाई करूंगी और यहाँ आ जाएगा 525, नीचे आ गया 100, क्लियर। अब आगे हम चाहें कुछ नहीं गिवन है तो 20 आगे ले लें और पेयर में उतारेंगे नीचे। अब ये जो पूरी स्टेटमेंट, अब इस पूरे को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 × 2 = 10, 0 1 आ गया, एक ऊपर उसके बाद ये यहाँ एक पावर आ गई इसके साथ जो 10 आ गया, और 5 × 2 = 10 और 10 + 1 = 11। अब देखिए कितने पे जाएगा, अगर मैं इसको 11 को 0 1 से करती हूँ तो 11 0 1 आ जाएगा, इसके नीचे जा सकता है, तो मुझे कुछ बड़ी स्टेटमेंट लेनी होगी। तो मान लीजिए मैं 8 ले लेती हूँ तो 8 × 8 = 64 हो जाएगा, 8 8 ये भी चला जाएगा इसके नीचे, और अगर मैं 9 ले लूँ 81 और 9 9 तो ये 9 पे जा सकता है, इट मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 9 से जाए मल्टीप्लाई कर दूँगी और जाएगा 9 9 8 1, रिमेनिंग आ जाएगा हमारा 9, यहाँ 1, ये 0 0। अब आगे आपने सोल्व करना तो आगे भी इसको सोल्व कर सकते हैं, एक 2 0 फिर और लेंगे, फिर आ गया 0, अब ये यहाँ ऊपर फिर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, 9 × 2 = 18 1 आया, 9 × 2 = 10 और 1, ये 1 आ गया, 5 × 2 = 10 और 1 11, ठीक है। अब देखिए कितने में नहीं जा रहा, तो ये 0 आएगा आगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारी 1900, ये 1900 है और हमें यहाँ पे 11 18 है पहले से ही 4 है, अगर मैं एक डिजिट से आगे मल्टीप्लाई करूँगी तो 5 हो जाएंगे, जबकि मेरे पास 4 है यहाँ पे, तो इसको मुझे आगे बढ़ाने के लिए 20 और ऊपर से लेनी पड़ेंगी, आगे फिर बढ़ेगा आगे, तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं इसे 5.590। तो आर आ गया हमारा 5.590, ठीक है। आप इसको चाहें तो 5.6 कर सकते हैं, 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है 5 से ज़्यादा हो तो आगे वाले में एक ऐड हो जाता है, ये हम जानते हैं। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 5.60। तो क्या हमें यही फाइंड आउट करना था, यस, हमें आर की वैल्यू ही तो बतानी थी, तो बस आप यहाँ पे लिख सकते हैं आर की वैल्यू होगी, सो रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू में 5.6 सेंटीमीटर, दिस इज आवर आंसर। होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, थोड़ा सा ये सेकंड क्वेश्चन टिपिकल है, बस ध्यान से करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। एक बात और, मैंने ए से ज्वाइन किया है ओ को, आप चाहें तो बी से और डी से भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात और,
कि मैंने नीचे से एक्स लिया, ऊपर सिक्स माइनस एक्स लिया। आप उल्टा भी कर सकते हैं, ऊपर एक्स मान लें, नीचे सिक्स माइनस एक्स कर लें, ऊपर 11 सेंटीमीटर, नीचे ले लें नीचे 5 सेंटीमीटर। कोई भी इक्वेशन, ये जो मैंने स्टेटमेंट ऐसे लिए, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे गिवन नहीं है कि आपको ऊपर नीचे ये लेना है, ठीक है। आंसर आपका सेम आएगा, बस आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।